Hi guys, myself Riya and welcome back to my channel. और आज का vlog मैं सुबह से start कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं फिर से आज जिम जा रही हूँ. मतलब पता नहीं, कल रात 3:30 बजे में सोई थी पर बिल्कुल नींद नहीं लग रही थी और सुबह में भी टूट गई. रायू भी सुबह में 1-2 बार उठी थी तो इसीलिए, और नींद नहीं लगी तो मुझे लगा इतना दिन मैं जिम नहीं गई तो पूजा के पहले 2 दिन चले जाते हैं तो इसीलिए सुबह निकल पड़ी हूँ. आज सारा दिन का बहुत सारा प्लान है, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है. और जल्दी जिम से आना भी होगा क्योंकि आज हमारे स्कूटी सर्विस में देनी होगी. तो शाकिब ने बोला 11 बजे के अंदर आ जाना, उसके बाद वो जाएगा सर्विस में स्कूटी देने. चलो पहले टोटो ले लेते हैं. जब ना बहुत दिन बाद मैं एक्सरसाइज करूँ या कुछ भी करूँ ना, इतना ज़्यादा मतलब आलसी लगता है ना कि मतलब करने का ही मन नहीं कर रहा, मतलब भारी भारी सा लग रहा है बॉडी मेरा. जिम हो गया आज के लिए खत्म, जा रही हूँ घर और देख रहे हैं कि मंदिर तला का पैंडल पूरी तरीके से रेडी हो गया है तो आप लोगों को भी एक झलक दिखा देते हैं. तो तीतिया के अंदर मैंने बहुत सारा पंडाल देख लिया, अब टोटो पकड़ेंगे और घर जाएंगे. पेट में ना चूहा मेरा दौड़ रहा है, इतना ज्यादा भूख लग रहा है. कल रात को बस मतलब पंडाल घूम के आई थी, एक रोटी और चाय के साथ मतलब खा के सोई थी. सुबह से बस आमंड और वाटर पी के बस आमंड खा के आई हूँ तो बहुत भूख लग रही है, घर जाके पहले खाते हैं. तो व्लॉग के अंदर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों का ना बहुत सारा क्वेरीज मुझे डीएम में दिखते हैं कि आप लोग मुझे पूछते हो कि रायू की गैस इंडाइजेशन कॉलिक के लिए आप क्या यूज करते हो, रायू को क्या गैस का प्रॉब्लम नहीं होता, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, तब आप क्या करते हो. देखो मुझे लगता है बेबीज को ना हर टाइम दबाई देना, मेडिसिन बार बार मुंह में दे देना सही भी नहीं है क्योंकि उनका वो हैबिट हो जाएगा. साथ ही साथ क्या होता है ना, कभी कभी बेबीज क्या करते हैं, ज्यादा देर वो लोग मुंह से निकाल देते हैं दवाई को. उसके लिए ना मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो मैं रायू के लिए यूज करती हूँ. सो दिस इज लाफलैक टमी रोल ऑन, मैं इसे यूज करती हूँ. रायू को अगर गैस हो जाए, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो, पेट अगर उसका लग रहा है भारी भारी सा लग रहा है, तो कुछ भी हो तो मैं ऐसे यूज करती हूँ. इसे यूज करना भी बहुत ही ज्यादा इजी है. बेबी जब बहुत ज्यादा रोते हैं, उनको पेट में दर्द होता है या तो उनको गैस बहुत ज्यादा हो जाती है तो तुरंत रिलीफ के लिए आपको बस रोल ऑन को ऐसे लगा देना है उनके टमी में. और इसके अंदर है बहुत ज्यादा इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स लाइक हींग, फेनल एंड जिंजर. मेरी माँ दादी माँ बोलती थी कि जब भी रायू के पेट में दर्द हो आप हींग लगा दो थोड़ा सा गर्म करके, इसीलिए मैंने ये रोल ऑन चुना और इसके अंदर सारे इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स ही है. और हम लोग एक्सरसाइज भी उनको कराते हैं जब ऑयल लगाते हैं ताकि पैर जब उठा के करते हैं ताकि उन लोगों का गैस निकल जाए. तो अगर तब भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है बच्चे को तब आप ये यूज कर सकते हो, इमीडिएट रिलीफ होता है. और ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसके अंदर कोई भी अल्कोहल मिनरल ऑयल कुछ भी नहीं है, पैराबेन फ्री है, टॉक्सिक फ्री है, बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है. बेबी की स्किन के लिए बेबी सेफ प्रोडक्ट बनाया गया है, ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपको इसके अंदर मिलेगी. ये प्रोडक्ट आपको बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाएगी. मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि ये टमी रोल ऑन जरूर से रखें क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज को सबसे ज्यादा गैस इंडाइजेशन का और कॉन्स्टिपेशन का ही प्रॉब्लम होती है. अगर ये प्रोडक्ट लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से चेकआउट कर लेना. तो पता है इतना फटाफट करना पड़ा, रेडी होना पड़ा, ऑलरेडी 3:45 बज गया, हम लोग लंच भी नहीं कर पाए. रायू सो गई थी, बोल के थोड़ा सा वेट करें, रायू उठ गई है और हम लोग अभी साउथ सिटी मॉल के लिए निकल रहे हैं. ये थोड़ा सा शॉपिंग करनी है और आज हम लोग थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड है. तो चलो अब दिखाते हैं कि रायू कैसे रेडी हुई है, नया कपड़ा पहनी है दुर्गा पूजा के लिए. रायू आज नया जीन्स पहनी है, साथ में उसका नया शूज, पर ये टॉप उसका पुराना है पर उसका शूज जो है और जीन्स जो है बिल्कुल नया है. तो चलो चलो उसका कैरियर बैग निकालो. शाकिब रायू कितनी खुश है, शाकिब आज बहुत स्मार्ट लुक आया है, देखो तो हीरोइन जीन्स पहन के, हीरोइन एकदम डोलू डोलू पहन के, मैचिंग शूज बच्चा, बस हेयर बैंड मैचिंग नहीं हुआ, ब्लू कलर का नहीं ना, है मतलब क्या बोलते उसको घूम घूम के हम लोग ऐसा आदत हो गया ना, मतलब जब हम लोग रेडी करते वो समझ जाती है, इतना खुश होती है ना, मतलब वो एक्साइटमेंट अलग रहता है उसका. हेलो बाबा, बाहर हो गया है अंधेरा, लग रहा है कि आज बारिश होने वाली है पर मैं आज छतरी लेना भूल गई, मतलब मेरे जिम के बैग में था पर मैं एकदम जल्दी में लेना भूल गई. और सबसे बड़ी बात है कि इतना तेज भूख लगी है, मेरा पेट पूरा ना जैसे चूहा ना पूरा काट रहा है लग रहा है, इतना भूख लग रही है. और राय चुप से बैठ के इधर उधर देख रही है,
बहुत खुशी मिलती है रायु को, है ना, है ना रायु? सिर्फ घूमी घूमी तेज बारिश, अब मैं छतरी भी लेके नहीं आई, मैं रायु को लेके उतरूंगी कैसे समझ नहीं आ रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और एकदम ना उबर दादा एकदम गेट तक लेके आई थी, तो इसलिए आए थे, तो इसलिए रायु भीगी नहीं है। और साउथ सिटी ना हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है, आई थिंक बहुत बड़ा है और यहाँ पे सारी दुकानें है ना अच्छे अच्छे, तो वही देखने के लिए आए हैं। आप लोगों को भी एक बार दिखा देते हैं कि कैसा है। पूजा के लिए डेकोरेशन वगैरह हुआ है तो बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत बड़ा है हम लोगों के वहाँ के रिवर साइड मॉल से तो बहुत ज्यादा बड़ा। अभी भी देखो माँ दुर्गा बनाई है, कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं फूड कोर्ट में, क्योंकि इतना भूख लगी है क्योंकि कुछ नहीं खा के आए, ऑलमोस्ट 3:30 बज गया है, तो पहले कुछ खा ले उसके बाद, क्योंकि शॉपिंग करते करते तो भूल ही जाएंगे देखते देखते कि कितना टाइम हुआ है। नहीं शाकिब आप ये डॉल कहाँ से लेके आए, कौन से मार्केट में मिलती है ये वाला डॉल, मुझे भी चाहिए। सब इस डॉल को देख रही है, सब प्यार कर रही है, कितनी सुंदर डॉल है सब, देखो तो कितना देखते हैं शाकिब। इतना बड़ा फूड कोर्ट है और इतने सारे आइटम्स है, समझ में नहीं आ रहा शाकिब को क्या खाएगा। तो शाकिब ने फाइनली डिसाइड किया ये कॉम्बो मील खाएगा क्योंकि उसको ज्यादा भूख लगी है ना। मेरा तो ऑर्डर हो चुका है और रिया अभी जा रही है। स्पाइसी खाना है, जिम करके आके पराठा और बिरयानी नहीं खाऊंगी। वो वाला ये वाला ये खाने ना ओखाने ओ मोने होच्छे ओरा मोने होच्छे है मिल गया, पर मेरा नहीं मिला। कॉम्बो में क्या क्या दिया है शाकिब? चिकन बिरयानी, चिकन चाप है और चिकन का एक कबाब दिया है, एक बॉयल एग दिया हुआ है, रायता है, बॉयल एग मुझे दे देना है, गुलाब जामुन, हाँ बॉयल एग तुम्हारे लिए। कैसे इनका देखो टेस्ट, अच्छा बड़ा सा बाबा, ये मेरे पेट में जाएगा कैसे इतना बड़ा सा, बहुत जोर का भूख लगा हुआ है, सुबह से कुछ नहीं खाया, बस ब्रेकफास्ट किया है मुझे और नहीं, अब 4 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। और हम लोगों ने आज और एक गलती किया, इसके लिए आप लोगों को माफ़ी मांग रहे कि माइक लाना भूल गई रिया, और ये साउंड क्या आएगा नहीं आएगा, तुमको तुम गलती तुमने किया है। हाँ लंच हमारा हो गया कम्प्लीट, शाकिब हुआ खुश तो मैं भी खुश, तो अभी चलते हैं शॉपिंग के लिए, देखते हैं कुछ पसंद आता है कि नहीं। मतलब लास्ट मोमेंट में लग रहा है कि मेरा कपड़ा अच्छा हुआ ही नहीं है, मैं क्या पहनूं और कहाँ जाऊंगी नहीं पता, पर तब भी तो आज एक बार ज़ारा ही घूम के आते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं कुछ, लास्ट टाइम मिला था एक। और एक ये वाला देखो, एक येलो वाला चेक ही है और एक ये वाला, पर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है येलो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर, है ना। तो फाइनली यहाँ से कुछ मिल गई है तो वो क्या ये बहुत सही लग रहा है, सोती वाला है। यहाँ मैं और रायु बैठ के उसकी मम्मा का इंतजार कर रहे हैं, रिया टाइम में ट्रायल दे रही है कि क्या मतलब उसे पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 दिन पसंद आया लेके गई है ट्रायल देने और 1-2 पहन के निकली, वो तो अपने आप लोगों ने देखा बहुत ही खूबसूरत लगा, तो मैंने बोला ले लो ले लो, क्योंकि इतना जल्दी वो ले लेगी उस दिन हम लोग घर आ गए। और रिया का शॉपिंग हो चुका है, शर्ट के अलावा और कुछ अच्छा नहीं है, मैंने देख लिया, एक फ्रॉक मैंने लिया था
एक से साइज यहाँ से इतना बड़ा शाकिब देख के बोला रही है तुम खामोखा ले रही हो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, तब भी मैं उसको जोर जबरदस्ती लेके गई। तो दो ही शर्ट मैंने लिया, दोनों ही आप लोगों को ट्रायल में ही देख लिया, तब भी खर्चा कर दिया। तो चलो अब निकलते हैं, आज मेरा अच्छा खासा चूना लग गया है। इसको चूना लगना नहीं बोला तुमने, जानबूझ के आया शॉपिंग करने, तो फालतू का मत बोलो। तो घर आके मैंने चाय पिया, पूजा किया, अभी राइट के साथ थोड़ा सा बैठ के खेल रही हूँ वीडियो एडिट करते करते, और कुछ देर बाद मधुरिमा आएगी इसलिए जल्दी आ गए थे। वो बोली है 8 बजे के करीब वो आज आएगी। हाय, न्यू कार के साथ मधुरिमा और शोनाव, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत सुंदर है, सस्ती खूब सुंदर है रे। तो शाकिब लाके दिया ये अलताज सिंदूर, क्योंकि देना पड़ता है शादीशुदा औरत को। और यहाँ पे शोनॉप के लिए लिखे है एक टी शर्ट, और मधुरिमा के लिए मैंने ये साड़ी रखी है। तो खुले देखो तुम्हारा पसंद है कि ना, अलताज सिंदूर खुले देखे नीचे, अरे बाप रे, छेड़ा खोल। तो गाइस वो लोग हमारे लिए क्या लेके आए दुर्गा पूजा के लिए वो आप लोगों को दिखा दूं, और उसके बाद ब्लॉग एंड करते हैं। तो ये लेके आई है रायु के लिए सुंदर सा डोलू ड्रेस, ये है शाकिब का शर्ट, और मैं ही पहन के देख रही थी। और मेरे लिए वो लेके आई है ये रेडी टू गो साड़ी, ये है ऊपर का ब्लाउज, और ये है वो साड़ी। मैं सोच रही हूँ इसे दिवाली में पहनूं, दिवाली में ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो और अलता सिंदूर एज यूजुअल, और रायु इतना बदमाश हो रही है मुझे, इतना मतलब उसको मतलब घुमा के लेके आई हूँ ना, तो उसको और घूमने जाना है और ये सब लेके मुंह में डालना है। सो गाइस आज का ब्लॉग आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना। तो बाय कर दो रायु, देखो मुंह देखो कितना परेशान। सो बाय।